देखिए, सब हमने सबके जो हमने पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे उनसे विस्तृत जानकारी ली, उनका क्या फीडबैक है, उन्होंने कितने दिन वहाँ प्रवास किया, किन किन कार्यकर्ताओं से मिले, किन किन नेताओं से मिले, क्या उनकी राय है और उनकी राय के पश्चात उनकी क्या राय बनी है जिलाध्यक्षों को लेकर, शहर अध्यक्षों को लेकर, और भी जो संभावित जिनमें प्रतिभा है, जिनमें संघर्ष का मादा है, उन लोगों के भी नाम चिन्हित करके दिए जिनको हम आगे उनको समायोजित करेंगे। सर, ये कल कांग्रेस हरियाणा एक प्रोटेस्ट कर रही है जिसमें किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका विरोध जताया जा रहा है, क्या रूपरेखा रहेगी इस प्रोटेस्ट की? देखिए, हमने अपने जो डिस्ट्रिक्ट में अपने जो नेताओं से और जो है सबको हमने ये सूचना दी है कि ये जो किसानों पर जिस तरीके से जो बर्बरतापूर्व पूर्ण जो शासन द्वारा जो उन पर लाठीचार्ज हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निंदनीय है और अलोकतांत्रिक है, और उसका हम लोग विरोध करते हैं और विरोध इस अपने हमारे संगठन जिला स्तरीय जिला स्तर पे हम हमारे जो कार्यकर्ता हैं नेतागण इसको मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न करें। सर, आने वाले समय में कुछ जो विधानसभा वहाँ पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, पंचायत चुनाव, उसके लिहाज से कितना आप सोचते हैं कि संगठन जो है जल्दी से? इसीलिए हम जल्दी चाह रहे हैं, संगठन तैयार हो जाएगा तो अपने आप चीज़ें दौड़ेंगी, स्वतः ही दौड़ेंगी। ठीक है, स्पर्शी, आज बैठक हुई है, दोनों दिन बैठक हुई तमाम पर्यवेक्षकों की, आज जो है रिपोर्ट आ गई है आपके पास, मैम किस तरीके से बैठक हुई? दो चार अभी बचे हैं जो आज आ नहीं सके, उनसे भी अभी हम रिपोर्ट ले लेंगे। बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है कि इतने लंबे समय के बाद संगठन बनने जा रहा है, और हमारे सभी जो पर्यवेक्षक या सह पर्यवेक्षक गए थे उन्होंने सब ने बहुत व्यापक रूप से वर्करों से बातचीत की। कुछ लोग तो एक दिन, दो दिन, तीन तीन, चार चार दिन रुके हैं और लोगों के बीच में भी गए हैं और जो भी वर्कर या नेता वहाँ के हैं सबसे बातचीत की या बातचीत करने का प्रयास किया और बड़े अच्छी तरह से वहाँ काम करके और अपनी रिपोर्ट लेकर आए हैं। और इससे जहाँ कई बार आप समझते हैं राजनीति में अगर हमारे जैसे लोग जाते हैं तो चंद लोग आसपास रह जाते हैं, और कई बार वर्कर्स की भी ये शिकायत रहती है कि वो कई बार कुछ दूरी पर रह जाते हैं, तो ये एक उसी तरह से उसी दिशा में ये कदम था कि हमारे पर्यवेक्षक गए और लोगों के बीच में रहे और सभी की जो बात थी वो उन्होंने बहुत ही निष्ठा से सुनकर और उसी निष्ठा से हमें रिपोर्ट दी है बिना किसी बायस के, कोई मन में किसी के प्रति कोई उन्होंने ना कुछ फेवरेट दिखाया है या किसी के खिलाफ, जो उन्हें वहाँ पर ज़मीन पर लगी बात वो उन्होंने बहुत ही निष्ठा से कार्य करके कि हम सोनिया जी के और राहुल जी के हाथ मजबूत करें और अपने संगठन को मजबूती दें और कार्यकर्ताओं को मजबूती दें। आपने एक ट्वीट किया है, कल प्रोटेस्ट करेगी पूरे प्रदेश में कांग्रेस किसानों को लाठीचार्ज उसको लेकर। जी, आपने देखा कि पीछे कितनी बर्बरता पूर्वक हमारे किसानों के साथ व्यवहार हुआ है, ना केवल अब लेकिन शुरुआत से ही आपने देखा कि जैसे चाहे कुरुक्षेत्र में रहा हो या जहां भी रहा हो, बॉर्डर्स पर भी रहा, जहां मौका लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनका प्रशासन हमारे किसान मजदूरों के खिलाफ एक्शन भी लेते हैं, लाठियां बरसाते हैं, हर तरह से हमारा किसान मजदूर आज के दिन प्रताड़ित है और उसके दुख की जो कहानी है ये लंबी होती जा रही है, लेकिन ये सरकार किसी का दुख बांटना जानती नहीं है। कोई अपनी बात कहना चाहे, अगर लोकतंत्र में किसान मजदूर की आप आवाज़ नहीं सुनोगे, उन्हें कुछ कुछ नाम देते रहोगे तो कहीं ना कहीं उनका भी जो रोष है या दर्द है वो फूट जाता है, और उसको बजाय इसके कि सहानुभूति से या संवेदनशीलता से उनसे बात करें उसके विपरीत लाठियां बरसाई जाएं, तो प्रशासन का जो ये चेहरा है ये लोकतंत्र का हिस्सा हो नहीं सकता, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा का हिस्सा हो सकता है। उपचुनाव को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ, कुछ नामों को लेकर कुछ मंथन हुआ? नहीं नहीं, आज तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर तरह से जहाँ भी जो भी उपचुनाव हो उसके लिए तैयार है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता तैयार है और
हरियाणा की जनता तैयार है। मैम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आज जैसे चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है, हमने आज सुबह डिप्टी सीएम से सवाल पूछा कि चौधरी देवीलाल एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर दिया, अभय चौटाला जी ने विधानसभा का पद छोड़ दिया, तो क्या आप डिप्टी सीएम का पद छोड़ेंगे? आप विपक्ष के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको किसानों के हक में, जो कि वो मसीहा है, उनकी पार्टी उस पर ही काम करती है? देखिए इनकी पार्टी ने हमेशा किसान के नाम पर राजनीति की। चौधरी देवीलाल जी थे, बहुत बड़े नेता थे और उनकी भी शुरुआत कांग्रेस से हुई थी और किसानों की आवाज़ को उन्होंने उठाया, तो आज मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भी देती हूँ। लेकिन उनके बाद अब जिस तरह की राजनीति हो रही है, आप देखते हैं कि चाहे वो जजपा है या लोकदल है, किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन किसानों के लिए कितना इनमें दर्द है वो समझ में आ रहा है। जजपा पार्टी ने तो पहले ही दिन वोट किसी नाम पर मांगे और फिर सत्ता के मोह में सरकार के साथ जुड़ गए, और जिस दिन ये जुड़ गए थे उसी दिन साफ नज़र आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की राजनीति है वो कभी भी किसान के या मजदूर के हक में नहीं रहे। तो जिस दिन इन्होंने सरकार का हिस्सा बनने का फैसला लिया उसी दिन नज़र आ रहा था कि ये किसान और मजदूर का दामन छोड़ चुके हैं। और रही बात लोकदल की, तो लोकदल ने भी आपने देखा कि राजनीति के नाम पर राजनीति दिखाते हुए ही त्यागपत्र अभय चौटाला जी ने जो दिया है तो उसमें राजनीति है, वरना किसानों की अगर बात वो चाहते तो सदन में रख सकते थे और रखना चाहिए था, पर वो बात छोड़कर वो यहाँ पर आ गए हैं। इससे क्या हासिल होगा ये तो जनता को, हरियाणा के लोगों को समझ नहीं है।